आधा किलो बेसन लिया है, चक्की से पीस के लिया है, दरदरा पीसना है इसे, रवा और सूजी रहती है उस टाइप पीसना है इसे, आधा किलो चीनी, पाव किलो देसी घी लिया है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स, 3-4 चम्मच दूध लगेगा और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम डालते हैं देसी घी। अच्छे से भुनना है कलर चेंज होने तक, थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा इसका तब तक इसे भुनना है। बहुत अच्छे से स्मेल आना शुरू हो जाती है। हमारा कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं इस तरह, तो हमारा बेसन अच्छे से फूल जाएगा। ये सावधानी से ये करना है। डालने से क्या होता है, जब भी हम लड्डू खाते हैं तो हमारे जीभ में या ऊपर इधर उधर चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से हम खा सकते हैं। बहुत अच्छा ये लड्डू बनता है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे अच्छे से 2 घंटे तक हम ठंडा होने देंगे और 2 घंटे के बाद इसमें शक्कर मिक्स करेंगे। इसे पूरा रूम टेम्परेचर पर आने देना है, 2-3 घंटे आप इसे रख दीजिए। देखिए कितना मस्त कलर आया हुआ है। अभी इसे 2 घंटा हम रख देते हैं। इस तरह हमारा अभी 2 घंटे हो चुके हैं, इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी करके शक्कर हम अभी इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके शक्कर इसमें हम ऐड करेंगे। ये सब काम आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, अपने हाथों में जो गर्मी होती है उससे ही ये अच्छे से हो जाते हैं। और बहुत इजी है, आराम से कोई भी कर सकता है इसे। और ये जो लड्डू है कम से कम 1 महीना भी अच्छे से रहेगा, खराब नहीं होगा। Thank you.
तरह से सारे लाड़ू बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही ईजी है ये, आप इसे ज़रूर बनाइए। हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। सपोज आपका घी बाय मिस्टेकली ज़्यादा हो गया है तो आप इसे फ्रिज में रखिए 10-15 मिनट के लिए, बाद में लड्डू बनाना शुरू करें, अच्छे से हो जाएगा। और कभी ऐसा लगा कि घी कम हो गया है तो 2 चम्मच आप घी डाल के अच्छे से मसल